हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ ऋषि आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द मास्टर ऑफ किचन। आज हम हमारे किचन में बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाने वाले हैं जो सबकी मनपसंद है। आज हम बनाएंगे वेज बारबेक्यू। अब वेज बारबेक्यू बनाने के लिए हम आज हमारे किचन में करने वाले हैं करामत। जी हाँ, आज हम यूज़ करेंगे मैजिक, और वो मैजिक का कैसे इस्तेमाल करते हैं हमारी रेसिपी के अंदर आज हम आपको बताएँगे। तो चलते हैं हमारी करामत किचन के अंदर और आज बनाएंगे किचन के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लजीज वेज बारबेक्यू, वो भी एक मैजिक इंग्रेडिएंट्स के साथ में। द मास्टर ऑफ किचन में आज हम यूज़ करेंगे करामत। अब करामत कैसे यूज़ करते हैं आज की इस रेसिपी के अंदर हम आपको बताएंगे करामत इंग्रेडिएंट्स के साथ में। तो करामत इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। तो आज हम बनाने वाले हैं कलमी कबाब। अब कलमी कबाब का यूज़ हमारे किचन में कैसे होता है आज हम आपको बताएंगे इस रेसिपी के अंदर। तो लेट्स गो इन द किचन गाइस, और आज बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लजीज और बहुत ही सिंपल वेज बारबेक्यू, वो भी करामत द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ में। वेज बारबेक्यू के लिए हमें चाहिए वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स में हम लेंगे सबसे पहले रेड बेल पेपर। और रेड बेल पेपर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको दोनों साइड से कट कर लूँगा, और कट करने के बाद हम इसको क्यूब कटिंग में काट लेंगे। कुछ इस तरीके से हम क्यूब कटिंग में इसको काट लेंगे, और साथ साथ में हम येलो बेल पेपर को भी इसी तरीके से क्यूब कटिंग में काट लेंगे। अब बारी है ग्रीन पेपर की, उसको भी हम सेम साइज में कट कर लेंगे। अनियन को भी हम यहाँ पे इसी तरीके से यूज़ कर लेंगे। हमारे पास ब्लांच किया हुआ पटेटो है, इसको भी हम क्यूब कटिंग में काट लेंगे। साथ में कॉलीफ्लावर को भी, मशरूम भी ऐड कर लेंगे। अब बारी है ब्रिंजल की, उसको भी हम क्यूब कटिंग में काट के ऐड कर लेंगे हमारे वेजिटेबल्स के लिए। टोमेटो हमारे पास हैं, इसको भी हम सेम साइज में कट कर लेंगे। अब ऐड करेंगे पनीर, इसको भी सेम साइज में कट करके हम वेजिटेबल्स यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना कलरफुल वेजिटेबल्स हमारे पास मौजूद है यहाँ पे बारबेक्यू के लिए। ये वेजिटेबल्स रेडी हैं अब ग्रिलिंग के लिए। बारबेक्यू के लिए चाहिए मुझे 1 कप हंकट, जो मैंने पहले से छान के रखा हुआ है। मस्टर्ड ऑयल 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, और क्रीम 2 टेबलस्पून। आज के बारबेक्यू के लिए हमारे पास ढेर सारे वेजिटेबल्स और पनीर रेडी है। अब बारी है हमारे मैरिनेशंस की। तो मैरिनेशंस हम करामत के प्रोडक्ट के साथ कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। कलमी कबाब हमारे पास मौजूद है दोस्तों यहाँ पे। करामत के कलमी कबाब के अंदर आपको 2 पैकेट मिलेंगे। एक पैकेट जो है वो है मिंट चटनी के लिए, और दूसरा जो पैकेट है वो है मैरिनेशंस। इसको अब हम हमारे बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे, और जो ये मैरिनेशंस है वो आपको पेस्ट फॉर्म में मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कलमी मैरिनेशंस पेस्ट फॉर्म में है यहाँ पे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम बारबेक्यू कर रहे हों तो इसका स्मोकी फ्लेवर हमें मिले। इसके साथ में हम ऐड कर लेंगे हंकट, जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है, और ये हंकट को भी हम अच्छे से इस मैरिनेशंस के अंदर मिक्स कर लेंगे। दोस्तों करामत मैरिनेशंस के अंदर जिंजर, गार्लिक एंड सभी मसालों का परफेक्ट मिश्रण है, इसीलिए आपको इसके अंदर एडिशनल जिंजर, गार्लिक या खड़े मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आपके टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर सॉल्ट या स्पाइस लेवल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड कर लेंगे क्रीम। क्रीम को भी हम कलमी मैरिनेशंस के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम ऐड करने से बहुत ही अच्छा लुक और टेक्सचर हमारे मैरिनेशंस के अंदर आ चुका है। अब बारी है वेजिटेबल्स ऐड करने की, तो हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, सभी वेजिटेबल को ऐड करेंगे हमारे इस मैरिनेशन के अंदर। अब ये मैरिनेशंस को हम रख लेंगे हाफ एन आवर के लिए। अब हम मैरिनेट किए हुए वेजिटेबल्स को हमारे स्कीवर में स्क्यू कर लेंगे वन बाय वन, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि हमारे स्कीवर कितने कलरफुल लग रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास मैरिनेशंस भी रेडी हैं, वेजिटेबल्स भी रेडी है और ग्रिलर भी रेडी है। अब बारी है बारबेक्यू को ग्रिल करने की। तो अब हमने जो स्कीवर्स बना लिए हैं वेजिटेबल के साथ में, उसको हम डालेंगे ये हमारे ग्रिल में और इसको अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। ये सभी स्कीवर्स को हम प्रॉपर वे में चारों तरफ से धीमी आंच पे ग्रिल कर लेंगे। गाइस, आज आपने देखा कि हमने कितनी अच्छी तरीके से और बहुत ही सिंपल वे में हमारे कलमी मैरिनेशंस का यूज़ हमारे वेज बारबेक्यू में किया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आप अपने घर पे बहुत ही इजी वे में बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए करामत का मैरिनेशंस और साथ साथ में हम किया हुआ कर्ड। तो अगर ये दो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो आप कभी भी पार्टी करने के लिए रेडी हैं। आप देख सकते हैं हमारे बारबेक्यू ऑलमोस्ट हर तरफ से कुक हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल और लेमन जूस। आप देख सकते हैं कि हमारा बारबेक्यू ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये बारबेक्यू प्लेटिंग के लिए तैयार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये करामती रेसिपी? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको ये करामती प्रोडक्ट कहाँ से अवेलेबल होगा तो आप www.fsl.in पे विज़िट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी आ सकते हैं। आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइज।